करनाल के करण स्टेडियम में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों में हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रदेश में नई खेल नीति बनाई गई है। अब खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं नवंबर 2021 में पंचकुला में आयोजित होंगी। इसकी तैयारी आज से ही हरियाणा दिवस पर आरंभ कर दी गई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि इस बार खेलो इंडिया कार्यक्रम का मेजबान हरियाणा है। अब सभी युवाओं को आज संकल्प लेना होगा कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम पिछले वर्ष में दूसरे नंबर पर आए थे, परंतु अब इन खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विशेष सहूलियत दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के करण स्टेडियम में राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के 55 वर्ष पूरे होने पर सबको बधाई दी और उन्होंने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन संकल्प लेने का है। सभी युवाओं को संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी प्रदेश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में मिलने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की राशि को खिलाड़ी के मेडल लाने से पहले ही 5 लाख रुपए देने की पहल की है, ताकि खिलाड़ी इस राशि से अपनी तैयारी कर सके। उन्होंने कहा कि युवा खेलों से जुड़े इसके लिए प्रदेश में 525 खेल नर्सरी बनाई गई। इतना ही नहीं, गांव के लोगों की खेलों में रुचि बढ़े इसके लिए खेल व्यायामशालाएं बनाई गई तथा खेल स्टेडियमों का सुधारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें खेलों की सभी सुविधाएं मिल सके। हमारा संकल्प है कि हरियाणा खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेलते समय गंभीर रूप से चोटिल हो जाता था, परंतु उसके इलाज के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था। अब हरियाणा में 4 इंजरी सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से रोहतक के सेंटर पर काम शुरू हो गया है और जल्द ही दूसरे सेंटर भी बना दिए जाएंगे। अब खिलाड़ियों को अपने इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राइ स्पोर्ट्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। खेल विभाग के ACS योगेंद्र चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज हरियाणा ने खेलों के मामले में देश में अपना स्थान बनाया है। प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2% है, परंतु खेलों के मामले में देश को मिलने वाले मेडलों में से 50% मेडल हरियाणा खिलाड़ी से प्राप्त करते हैं। यह प्रदेश की खेल नीति के परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर समय यही सोचते हैं कि दूर गांव में रहने वाले गरीबों को कैसे हरियाणा सरकार की सुविधा मिले। इसके लिए वह प्रयास भी करते हैं। गांव स्तर पर खेल नर्सरी व व्यायामशालाएं बनाना मुख्यमंत्री की ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोटीन युक्त आहार देने की भी पहल की है। इस मौके पर खेल विभाग के निदेशक डॉक्टर SS फुलिया ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा कि खेलों के मामले में आए दिन हरियाणा प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वहीं स्टेडियम में हरियाणा दिवस पर 400 मीटर की दौड़ कराई गई। इस प्रतियोगिता में 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान अतुल कुमार, दूसरे स्थान पर संदीप कुमार व तीसरे स्थान पर गौरव कुमार ने प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जिले के 5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया है जिन्होंने मेडल प्राप्त करके प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। इसमें मुस्कान, रीना रानी, सुजाता, गोविंद कुमार, संजू देवी सुल्तान के नाम शामिल है। आइए हम इनके लिए तालियां बजाएं। खिलाड़ी आप इनके लिए तालियां बजाइएगा। सभी खिलाड़ी तालियां बजाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सकारात्मक सोच का ये परिणाम हम और आप अनुभव कर पा रहे हैं कि गुज़िश्ता 6-7 महीने के आयुषी भरे आलम के साथ आज हमें अवसर मिला है। बहुत ही शुभ संयोग राष्ट्रीय एकता दिवस हरियाणा दिवस और इस सामने खेल दिवस के रूप में अंगीकृत भी किया। 1 नवंबर हरियाणा का 55वां स्थापना दिवस है।
इस बार चूंकि हम 29 अगस्त को खेल दिवस नहीं मना पाए थे कोरोना के कारण से, इसलिए आज का दिन हमने खेलों को समर्पित किया और इसको खेल दिवस इस नाते से भी कहा है। साथ ही हमारे पूर्व गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज हमने मनाया है, इसलिए इन सभी अवसरों की शुभकामना मैंने आज जो प्रतिभागी थे युवा खिलाड़ी उनको दी है। और खेलो इंडिया की तैयारी के नाते से आज खेल दिवस इस रूप में मना करके हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वर्ष भर में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के जो युवा खिलाड़ी हैं वो तैयारी कर सकें और हम हरियाणा जो मेज़बान प्रदेश है युवा खेलो इंडिया का, तो उस नाते से यहाँ अच्छा प्रदर्शन करके हम मेडल। 5 तारीख को किसानों का चक्का जाम है, तो इस मौके पर क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, एक राष्ट्रव्यापी इस प्रकार का एक कॉल दी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनको अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए और जो प्रदर्शन भी है उसको शांतिपूर्वक करें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर सख्ती से निकिता मामले में आज महापंचायत चल रही है बल्लभगढ़ में, तो उसमें क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया? देखिए, बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, चूँकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार। उत्तर प्रदेश खेल स्टेडियम के हाल से काफी खस्ता है, सर्विस के ऊपर काम जो है कम हुआ है, काफी काम हो गया है और भी अभी नई खेल नीति के नाते से या जो हमारी तैयारी चल रही है उस नाते जितनी आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर जो है कानून बनाने की बात बताया है, सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.